हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैं हूँ आपकी जीएस मेंटर। और आज स्पार्क इंस्टीट्यूट जो है उसने अपनी आरआरबी एनटीपीसी की जो क्लासेस हैं वो शुरू कर दी है। रेलवेज एनटीपीसी की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। रेलवेज एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स, वो 15 दिसंबर को, उसकी एक टेंटेटिव डेट हमारे पास है। टेंटेटिव डेट जो है हमारे पास 15 दिसंबर की है। सो आज से हम लोग बात करें तो अराउंड एंड अराउंड वी हैव द 45 डेज। 45 डेज जो है हमारे पास हैं हमारी प्रिपरेशंस के लिए। तो 45 डेज जो है, अगर स्टूडेंट्स हम इस 45 डेज में अपनी जो है प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ऐसा होगा, अच्छा होगा। और ऐसा होने वाला है कि जो आपकी जो सिलेक्शन है वो जो है वो श्योर होने वाली है। जो सिलेक्शन है वो श्योरली आप जो है वो अपने रेलवे एस एनटीपीसी का जो CBT 1 का एग्ज़ाम है वो क्लियर कर देंगे। राइट, हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है वो हमारे एग्ज़ाम के अंदर जो है वो 3 कंपोनेंट्स पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारे पास रीजनिंग है, जीएस है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। जीएस की हम बात करें तो ओनली एंड ओनली जीएस ही जो है वो 40 मार्क्स की पुट की जाने वाली है इस पेपर के अंदर। अब इस 40 मार्क्स के अंदर, 40 मार्क्स में आपको क्या क्या पूछे जाने वाला है। हिस्ट्री भी पूछे जाएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, अब इस 40 मार्क्स को कैसे जो है हम सिक्योर करें, 40 मार्क्स जो है हम उसमें कैसे स्कोर करें और नंबर को कैसे सिक्योर करके चलें, यही हमारी जो है क्लासेस में स्ट्रैटेजीज के साथ जो है वो चलने वाला है। हमारा जो है हर एक कंपोनेंट जो है जीएस का, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, या फिर हम जनरल साइंस की बात करें या फिर करंट अफेयर्स की बात करें, हम सब जो हैं वो जो हैं इस क्लास के अंदर हर एक चीज़ जो है वो टिप्स पे करने वाले हैं। वो कैसे करने वाले हैं, आपको जो है रोज का जो है एक जो है क्या पढ़ाया जाएगा, एक का टॉपिक रहेगा। टॉपिक के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है, डेली के जो है उस टॉपिक के रिलेटेड MCQs, उस टॉपिक के रिलेटेड करंट अफेयर्स, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको हम जो है वो डिस्कस किया करेंगे। क्लियर, तो अभी के लिए जो है आज से जो हमने आपकी स्टार्ट की है क्लास, वो स्टार्ट की है इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस, जाने की भारत का भूगोल हमने अपनी क्लास में जो है वो शुरू कर दिया है। इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बनते हैं आपके, फिजियोग्राफी से है, क्लियर, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से बनता है, देन आपका जो क्वेश्चन है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से बनता है, ड्रेनेज से बनता है, सॉइल्स इन इंडिया, फॉरेस्ट इन इंडिया एंड मैनी मोर, क्लाइमेट जो है क्लाइमेट इंडिया का, इन सब से जो है ये जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम इस क्लासेस के अंदर, इन क्लासेस के अंदर जो है वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर, तो जो हमारा फर्स्ट जो हमने कंपोनेंट पिक किया है वो इंडियन ज्योग्राफी का कंपोनेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका NTPC का एग्ज़ाम है, SSC CHSL का एग्ज़ाम है, या फिर आपका JKSSB का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, या फिर कोई और अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, उन सब में हमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो हैं अराउंड एंड अराउंड जो है 6 to 7 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की जो हमारी क्लास है वो चलेगी इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। आज की जो क्लास है हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट्स को, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इंडिया की। इंडिया जो है, ये जो नेम है इंडिया का, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड विद द रिवर इंडस। इंडस जो नदी, जो कि सिंधु नदी है हमारे पास, सिंधु नदी, उस नदी के नाम से ही हमारी कंट्री का नाम है कौन सा वाला, इंडिया। अब हम इसकी सेलियंट फीचर्स की बात करें तो इंडिया जो है स्टूडेंट वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया का जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड करता है
कौन से दो लैटिट्यूड्स के बिटवीन, दैट इज 8 डिग्री 4 नॉट एंड 37 डिग्री 6 नॉट लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड कौन से हैं, दैट इज 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये मैनी ऑफ द टाइम जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, कि इंडिया का जो मेन लैंड है वो किन दो लैटिट्यूड्स के बिटवीन एक्सटेंडेड है, दैट इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। इन दो लैटिट्यूड्स के बिटवीन इंडिया जो है वो लाई करता है। लैटिट्यूड्स क्या हैं, दीज आर द पैरेलल लाइन विच पैरेलल लाइंस जो कि कैसे चल रही हैं, इक्वेटर के पैरेलल चल रही हैं पोल्स टू पोल्स, उनको हम क्या बोलते हैं लैटिट्यूड। आइए जरा इनको थोड़ा सा हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं ग्लोब बोलते हैं। ये हमारे पास इक्वेटर लाइन है, देखिए ये इक्वेटर लाइन है स्टूडेंट्स, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पे है। इक्वेटर लाइन जो है वो धरती को दो हिस्सों में बांट देती है, कौन कौन सा, ये हमारे पास आ गया ऊपर वाला हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कौन सा हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, दो हेमिस्फीयर में बांट रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन वी हैव द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पे है नॉर्थ पोल। सिमिलरली इस तरह से हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सदर्न हेमिस्फीयर में, 23.5 डिग्री साउथ पे सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री साउथ पे है हमारे पास अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल था और ये है हमारे पास कौन सा लैटिट्यूड, आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल। अब हमने बात की कि इंडिया जो है वो कहाँ पे लाई करा, तो आप यहाँ पे मैप में देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ग्लोब में, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इंडिया दिख रहा है, ये इंडिया है आपका, है ना, ये दिख रहा है आपको इंडिया, हियर इज अवर इंडिया, ये इंडिया है। तो आपने क्या देखा, इंडिया कहाँ पे, इक्वेटर से ऊपर, और कौन से, ये कौन से हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया, आपने खुद देख लिया। अब यहां से ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये ऐसे हर एक लैटिट्यूड के बिटवीन जो है 1 डिग्री का डिफरेंस है, दो लैटिट्यूड्स के बिटवीन कितना डिफरेंस है 1 डिग्री का है, तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5, तो ऐसे करते इंडिया जो स्टार्ट होता है वो होता है 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड से, कहाँ तक एक्सटेंडेड है 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक। क्लियर, तो ये इंडिया का मेन लैंड एक्सटेंडेड है। अब हम बात करें सिमिलरली, जिस तरह से हमारे पास इक्वेटर लाइन जो है वो धरती को दो हाफ्स में बांटती है, इसी तरह से स्टूडेंट्स एक सेकेंड, इसी तरह से ये जो है हमारे पास 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन लाइन जो है, प्राइम मेरिडियन लाइन जो है ये जो है अर्थ को दो हेमिस्फीयर, कौन कौन सा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, दिस वन विल बी द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, और ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कौन सा वाला है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और यहाँ पे हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर, अब इसी तरह से पोल्स टू पोल्स हमारे पास क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जिनको हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इनको हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब बात आती है कि इंडिया किन दो लॉन्गिट्यूड के बिटवीन आता है, तो यहां से हम बात कर रहे हैं दैट विल बी द 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बिटवीन इंडिया आता है, कितना, एक बार यहां पे लिख रही हूँ 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का एक्सटेंड है,
और यहां से आपको क्वेश्चन जो है बेटा वो देखने को मिलता ही मिलता है, श्योर है, क्लियर हो गया। अब हमने एक और चीज यहाँ पे आपने देखी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के मध्य से यानी कि मिडल से होता हुआ जा रहा है। इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ से इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास करता है। ये हम पढ़ रहे थे कि जो मेन लैंड है एक्सटेंड करता है बिटवीन 8°4 north टू 37°6 north एंड 68°7 east टू 97°25 east longitude। ये आप नोट कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब हम बात करते हैं अब नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट इंडिया का क्या एक्सटेंट है, तो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है 3214 किलोमीटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी ऑफ द टाइम्स ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। तो इट मेजर्स अबाउट नॉर्थ टू साउथ कितना है, नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड के बिटवीन जो हमारा 8°4 north से लेके हमारा कहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है 37°6 north लैटिट्यूड तक, वो कितने किलोमीटर्स होता है स्टूडेंट, 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट जो है वो है 2933 किलोमीटर्स, इट्स 2933 किलोमीटर्स जो है वो हमारा वेस्ट टू ईस्ट है, 2933 किलोमीटर। तो यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंडिया का जो टोटल लैंड फ्रंटियर है वो कितना है, इट इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज पर द रेलवेज NTPC के हिसाब से, ये भी जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। कितना है टोटल लैंड फ्रंटियर इंडिया का, 15,200 किलोमीटर्स। टोटल लेंथ जो है कोस्ट लाइन की वो है कितनी, 7,516.6 किलोमीटर्स। और आपने मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया किस स्टेट के साथ शेयर करता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, क्लियर। अब हम बात करें इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पे है, दैट लाइज इन द लद्दाख नियर सियाचिन ग्लेशियर। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो दैट इज इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमैलियन पॉइंट, और पिगमैलियन पॉइंट कहाँ पे है स्टूडेंट्स, दैट लाइज इन द निकोबार आइलैंड्स। यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, गोहरमोता। गोहरमोता कहाँ पे है, गुजरात। गुजरात में ये जो अब आपका ऐसे टर्न है यहाँ से, ये जो सर क्रीक के पास हमारे पास गोहरमोता है। और ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का वो कौन सा है, कबीतू। कबीतू जाने की कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में, क्लियर। तो इंडिया का टोटल लैंड फ्रंटियर कितना है, 15,200 किलोमीटर्स। टोटल लेंथ जो है कोस्ट लाइन की 516.6 किलोमीटर्स। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है इंडिया की वो किस स्टेट के साथ शेयर की जाती है। बात करते हैं एक्सटेंट की, हम बात कर रहे हैं तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का हम क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट और पिगमैलियन पॉइंट। निकोबार आइलैंड में लाई करता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो इंडिया का वो है हमारे पास गोहरमोता, और गोहरमोता कहाँ पे है, गुजरात में, क्लियर। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का ये कहाँ पे लाई करता है, कबीतू। कबीतू कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। आइए अभी इसको मैप में देख लेते हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है, हियर इज अवर इंडियाज मैप। चलिए यहां पे आप देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं लैटिट्यूड देखते हैं, तो ये देखिए 8°4 north लैटिट्यूड है और ये 37°6 north लैटिट्यूड है, राइट। उसके बाद हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो 68°7 east लॉन्गिट्यूड से कहाँ तक गया है, 97°25 east लॉन्गिट्यूड तक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ टू साउथ कितना मैंने अभी बताया था, कितना है 3,214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है 2933 किलोमीटर। यही अभी आपको बताया था, दो बातें होगी। इसके बाद हमने नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का कौन सा है, इंदिरा कोल हमने अभी देखा, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है, दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट एंड निकोबार आइलैंड्स में।
उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट गोवर मोता गुजरात में, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है अरुणाचल प्रदेश में है कभी तू। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर आपको एग्जाम में पूछा गया सदर्न टिप ऑफ इंडिया, सदर्न टिप ऑफ इंडिया, बार बार रिपीट कर रही हूँ, सदर्न टिप ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए, देन द आंसर विल बी कन्याकुमारी। देन द आंसर विल बी द कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में, अगर सदर्न टिप पूछा जाए। अगर आपको पूछा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो कहाँ पे है, दैट लाइज इन द निकोबार आइलैंड, और क्या है उसका नाम, दैट इज इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या फिर जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। इन दो बातों का खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोस्ट लाइन अभी हमने बताई टोटल कितनी है, 751.6.6 किलोमीटर, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और अब देखेंगे आगे जाके, कि नेक्स्ट जो चीज मैंने आपको बोला था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो कर्क रेखा है वो इंडिया में से कितने स्टेट्स में से पास करती है। सो स्टूडेंट्स इट पासिस थ्रू एट स्टेट्स, एट स्टेट्स में से पास करती है, याद रखिएगा। अब एग्जाम में बहुत ही कम लेवल पूछा जाएगा क्वेश्चन का, तो आपको पूछा जाएगा फ्रॉम अमंग हाउ मेनी स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया। ऑप्शन होंगे 5 स्टेट्स 6 स्टेट्स 7 स्टेट्स और 8 स्टेट, देन द आंसर विल बी द 8 स्टेट्स, तब आप आंसर करेंगे 8 स्टेट। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्टेट में से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है, या कौन कौन से स्टेट में से पास नहीं करता है, तो उन 8 स्टेट्स का नाम आपको याद होना चाहिए। वो 8 स्टेट्स क्या हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द 8 स्टेट्स जो आपको याद होनी चाहिए। अब इसको याद कैसे रखा जाए, बिकॉज यहां से हमारे पास क्वेश्चन आना निश्चय है, आता ही आता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, क्लियर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्वेश्चन कैसे आएगा, फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया। आपको ऑप्शन देंगे गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया होगा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, 3 2 ऑप्शन। तीसरे में आपका कोई ऐसा ऑप्शन डाल दिया होगा जो नहीं होगा, तो उसके लिए आपको ये 8 की 8 स्टेट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो लर्न होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। और उसको टिप्स पे करने के लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाया है, और ट्रिक ये है, एक जीएमसी झारखंड है, जीएमसी जम्मू नहीं लेंगे हम, जीएमसी झारखंड, जीएमसी झारखंड में कौन एडमिट है, मिस्टर वाइट एडमिट है। कौन एडमिट है, ये बहुत एक फनी सी ट्रिक बनाई है, ताकि आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो है वो गलत ना करें। मैंने आपको पहले ही बोला है कि 40 स्कोर हमने करना ही करना है पेपर में, जितना भी कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसका आंसर देख के आएंगे। तो जीएमसी झारखंड में मिस्टर वाइट एडमिट है, जी स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स गुजरात, एम स्टैंड फॉर यहाँ पे हो गया आपका मध्य प्रदेश, सी स्टैंड फॉर छत्तीसगढ़, जे स्टैंड फॉर झारखंड, एम स्टैंड फॉर मिजोरम, आर स्टैंड फॉर राजस्थान, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट बंगाल एंड टी स्टैंड फॉर त्रिपुरा। ये 8 स्टेट्स हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 8 स्टेट्स यहाँ से ये पास करता हुआ जाता है। कौन सी लाइन, ये देखिए, ये डॉटेड वे में है, जो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। तो 8 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड कौन सा है हमारे पास, मिजोरम। तो जीएमसी झारखंड में कौन एडमिट है, मिस्टर वाइट, मिस्टर वाइट एडमिट है, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। क्लियर हो गया है, तो ये आपके लिए ट्रिक बनाई गई है, जीएमसी झारखंड में मिस्टर एडमिट वाइट है, मिस्टर वाइट जो है वो एडमिट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है, कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया में एंटर कहाँ से करता है और एग्जिट कहाँ से करता है। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, ये एंटर करता है गुजरात से और एग्जिट
जो करता है बाहर कहाँ से निकलता है, मिजोरम से, क्लियर, एंटर करता है गुजरात से, और इसका जो एग्जिस्टेंस है, जो ये बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है, मिजोरम से ये बाहर निकल जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, क्लियर। तो ये था हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। 8 स्टेट्स में से पास करता है, 8 स्टेट कौन कौन सी हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके लिए हमने ट्रिक बना दी, जीएमसी झारखंड में मिस्टर वाइट एडमिट है, और इसके लिए हमने एक और क्वेश्चन आपको बता दिया कि पूछा जाता है कि एंटर कहाँ से करता है और एग्जिट कहाँ से करता है, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्रीज किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो इंडिया शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज कितनी, 7 कंट्रीज के साथ, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है, दैट इज आपके लिए यहाँ पे भी मैंने एक ट्रिक बना दी है, बचपन में एमबीए, बचपन में हम लोग एमबीए कर लेंगे, ठीक है। बी ए स्टैंड फॉर बांग्लादेश, सी एच स्टैंड फॉर चाइना, पी ए स्टैंड फॉर पाकिस्तान, एन स्टैंड फॉर नेपाल, एम स्टैंड फॉर म्यांमार, बी स्टैंड फॉर भूटान एंड ए स्टैंड फॉर अफगानिस्तान, क्लियर। बी स्टैंड बचपन में एमबीए, तो हमने बात की यहाँ पे स्टूडेंट्स, बी स्टैंड फॉर, बी ए स्टैंड फॉर बांग्लादेश, रिपीट कर रही हूँ, सी एच, सी एच स्टैंड फॉर चाइना, देन वी हैव पी ए, पी ए स्टैंड फॉर, पी ए स्टैंड फॉर पाकिस्तान, एन स्टैंड फॉर हमारे पास क्या है, नेपाल, एम स्टैंड फॉर म्यांमार, बी स्टैंड फॉर भूटान एंड ए स्टैंड फॉर अफगानिस्तान। और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इंडिया जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बेटा हमने जो फर्स्ट नंबर पर रखी है कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्लियर। कितना है हमारे पास, 4156 किलोमीटर। फिर आपको पूछा जाता है लीस्ट बॉर्डर, लीस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर किया जाता है इंडिया का, लीस्ट बॉर्डर किया जाता है हमारा अफगानिस्तान के साथ, लीस्ट बॉर्डर, लीस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, कितना करता है, 106 किलोमीटर, क्लियर। तो ये कुछ आप चीजें याद रखिएगा कि रेस्ट भी हम आपको बता देंगे, बट आपको ये याद रखना कि बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है और लीस्ट बॉर्डर कितना शेयर करता है, किसके साथ, दैट इज शेयर बाय द अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि श्रीलंका जो है इंडिया से वो सेपरेट की गई है किसके द्वारा, बाय द पाक स्ट्रेट, किसके द्वारा सेपरेट की गई है, पाक स्ट्रेट। ये हमारे पास इंडिया का अगर मैप है, यहाँ से रफली हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे एक हमारे पास कौन सी संधि है, पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है, सबसे पहले हम स्ट्रेट की बात करें, स्ट्रेट जो है ये एक वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है दो लैंड मासिस को, वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू लैंड मासिस, टू लैंड मासिस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, इन दो लैंड मासिस को कौन कनेक्ट कर रहा है, पाक स्ट्रेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक गल्फ है, गल्फ कौन सा है, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे गल्फ कौन सा है बेटा, गल्फ है यहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार जो सेपरेट कर रहा है श्रीलंका और इंडिया, क्लियर। श्रीलंका के साथ हम अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं, ओके। कंट्री जो है इंडिया वो डिवाइड की गई है 6 मेन जोन्स में, कौन कौन सी जोन्स हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट, ये तो आपको चार पता ही है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये चार मेन जोन्स आ गई, वेस्ट और ईस्ट। अब उसके बाद करें ये सेंट्रल, मध्य भारत, सेंट्रल
एंड देन द वी हैव द नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन. तो ये है हमारे पास सिक्स जो है जोन्स हैं इंडिया की. इंडिया की टोटल स्टेट्स कितनी हैं? 28 स्टेट्स. और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 9 यूनियन टेरिटरीज. रिसेंटली लास्ट ईयर 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, जे एंड के स्टेट को बाइफ्रिकेट किया गया दो यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख. ये दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दी गई एक स्टेट को बाइफरकेट करके. ये पॉलिटी में हम लोग अंडरस्टैंड करके करेंगे कि कौन सा आर्टिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाइफरकेशन कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे आगे की क्लासेस में. अब एक लास्ट चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किसकी कौन से लॉन्गिट्यूड के ऊपर बेस्ड है, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये हमारा अर्थ था, ये था हमारा इक्वेटर लाइन थी, ये था 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन, और ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स, यही बात चली थी. अब 82.5 डिग्री ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, मेजर करता है जो कि कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से. अब ये 5.5 घंटे भी कैसे आगे है ये हम नेक्स्ट क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का चैप्टर को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. क्लियर? तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से पास करता है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मैं आपको ये पास करता है 82.5 डिग्री ईस्ट पे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से. कहाँ से ये पास करता है? नियर नियामी. नियामी कहाँ पे है? दैट इज इन अलाहाबाद, जिसका नाम अलाहाबाद का चेंज होके क्या पड़ गया है? प्रयागराज. प्रयागराज से ये पास करता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. क्लियर? और जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वही स्टैंडर्ड टाइम जो है सेम स्टैंडर्ड टाइम नेपाल का है, और श्रीलंका ऑल्सो फॉलो द सेम स्टैंडर्ड टाइम. अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है बेटा कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो कितनी स्टेट्स में से पास करता है. तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा 5 स्टेट्स में से पास करता है, पासिस थ्रू द 5 स्टेट्स. 5 स्टेट्स में से पास करता है, वो कौन कौन सी स्टेट है? दैट इज यूपी, एमपी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एंड उड़ीसा. ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं, यहाँ से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये पास करता हुआ जाता है, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. तो ये था हमारे पास जो है इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट्स की जो थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है, कौन सा लैटिट्यूड है. इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. लैटिट्यूड कौन से दो लैटिट्यूड के बिटवीन आता है? 8°4′ to 37°6′ लैटिट्यूड के बिटवीन. लॉन्गिट्यूड है 68°7′ ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बिटवीन, एंड 97°25° ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बिटवीन आता है इंडिया. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ईस्ट, दैट इज इंदिरा कोल. सदर्न मोस्ट को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट और पिग्मालियन पॉइंट. वेस्टर्न मोस्ट को बोला जाता है गोरमोता, या फिर हम क्या बोलते हैं ईस्टर्न मोस्ट को क्या बोला जाता है? किबीतू अरुणाचल प्रदेश में. ये पढ़ा हमने. और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 स्टेट्स में से पास करता है. कौन कौन सी है? दैट इज जीएमसी झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा. एंटर करता है गुजरात से और एग्जिट करता है मिजोरम से. इसके अलावा हमने अंडरस्टैंड किया कि इंडिया जो है वो अपनी जो कौन कौन सी स्टेट्स कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज बचपन में एमबीए बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान. लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और लीस्ट बॉर्डर शेयर किया जाता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ. श्रीलंका जो है उसको सेपरेट किया गया है इंडिया से बाय द पाक स्ट्रेट. किससे सेपरेट किया गया है? पाक स्ट्रेट के साथ. पाक स्ट्रेट के साथ. और यहाँ पे जो हमारे पास है गल्फ कौन सी पड़ती है? तो यहाँ पे स्टूडेंट गल्फ है हमारे पास, गल्फ ऑफ मन्नार. जब हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, जैसे हम इसकी क्लास शुरू करेंगे, इसमें और भी हम जो हैं डिटेल में जो चीज़ें हैं उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे. क्लियर?
उसके बाद लास्ट में हमने अंडरस्टैंड किया कि जो हमारी जोन्स हैं इंडिया की, वो कितनी जोन्स हैं. वी मेनली इंडिया इज डिवाइडेड मेनली इनटू द सिक्स जोन्स, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड सेंट्रल एंड द नॉर्थ ईस्ट जोन. इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी हैं एट प्रेजेंट? वी हैव द 28 स्टेट्स. और क्या है, 28 स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, क्लियर. और रिसेंटली जो यूनियन टेरिटरीज बनी है, मैंने वो भी बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया, हमारे पास जो स्टेट थी कौन सी वाली, जम्मू एंड कश्मीर, उसको बाइफरकेट कर दिया गया दो यूनियन टेरिटरीज में. जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई और लद्दाख जो है वो दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाएगी. इज इट क्लियर? और लास्ट में हमने देखा कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन से लॉन्गिट्यूड से पास करता है. सो स्टूडेंट्स, ये पास करता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से पास करता है, जो कि 5.5 घंटे जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चल रहा है. वो कैसे है, हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कैसे है. इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पांच स्टेट कौन सी है जहाँ से ये पास करता है, वो है यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा. और इसके अलावा हमने देखा कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, सेम इन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फॉलोड किया जाता है किसके द्वारा, दैट इज़ बाय नेपाल एंड श्रीलंका. आई होप जो भी आज की क्लास में मैंने आपको समझाया होगा आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे. आज के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे, आज के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे. आगे की क्लासेस में जो है हम इसकी डिटेल्ड में जो है वो स्टडी करेंगे. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.